हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पबजी मोबाइल लाइट में विनर पास यानी कि डब्ल्यू पी रैंक फास्टली कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे रैंक 30 कर लोगे एंड पैसे भी नहीं लगेगा आपका, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को अगर आप यूज करते हो तो आप अपने फ्रेंड से तो हमेशा टॉप पे रहोगे। मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो आपका नाम जो है हमेशा प्लेन के ऊपर आएगा, मतलब उनसे तो आप आगे रहोगे रहोगे। एंड एक क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आता है, जब सबका रैंक 30 हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि आपका नाम प्लेन के ऊपर नहीं आता, किसी और का नाम आ जाता है। तो वहां पे होता है कि भाई सारे मिशन मैंने भी कंप्लीट करे, उसने भी सारे मिशन कंप्लीट करे होंगे, बट उसका नाम प्लेन के ऊपर कैसे आ गया, मेरा नाम क्यों नहीं आया। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे सबका रैंक 30 है बट स्टिल यहाँ पे मेरा नाम प्लेन के ऊपर है। तो कौन सा ट्रिक मैं यूज करता हूँ जिसकी वजह से मेरा नाम हमेशा ही ऊपर आता है, ये सब ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वीडियो अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो 99% केस में आपका नाम जो है हमेशा प्लेन के ऊपर आने वाला है। सो आपको रैंक इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे दो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है ऑलमोस्ट 50% लोगों को पता है, लेकिन सेकंड स्टेप जो है एक सीक्रेट टाइप का है, मतलब वो बहुत कम ही लोगों को पता है। अगर आपको फर्स्ट मेथड पता है देन वहां पे वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो एंड सेकंड स्टेप डायरेक्ट देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जैसे आप विनर पास परचेज करो तो यहाँ पे वीक वन के सारे मिशन सब कंप्लीट करके जो रैंक इंक्रीज कर सकते हो। बट स्टिल आज 1 अक्टूबर है तो यहाँ पे वीक वन अनलॉक है, ठीक है। तो वीक टू के लिए मेरे को 7 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है ना कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यूज करोगे तो वहां पे वीक टू भी आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आई थिंक पता है सभी को, तो यहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि विनर पास पे आना, विनर पास पे आने के बाद यहाँ पे देखो टिकट लेगा, टिकट पे क्लिक करना। ये जो लाइसेंस है ना, इस लाइसेंस का प्राइस अगर आपने लाइफ में एक बार विनर पास लिया, मतलब फर्स्ट टाइम लिया है, तो ये लाइसेंस का जो प्राइस है 120 BC का रहता है। अगर आपने लाइफ में सेकंड टाइम विनर पास लिया एक ही अकाउंट पे तो इस लाइसेंस का जो प्राइस है वो 60 BC हो जाता है, मतलब घट जाता है। अगर आपने लाइफ में दो बार विनर पास ले लिया, ऐसे दो बार ले लिया, तो तीसरी बार आपको ये फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप फ्री में, इस लाइसेंस को भी आप फ्री में ले सकते हो। इस लाइसेंस का बेनिफिट क्या है कि जैसे आप इसको परचेस कर लोगे तो परचेस करने के बाद यहाँ पे वीक टू जो है आपका अनलॉक हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे वीक टू के मिशन जो है वीक वन में ही कंप्लीट करके रैंक इंक्रीज कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट है कि जैसे आप वीक टू स्टार्ट होगा तो वीक थ्री आप में अनलॉक हो जाएगा, मतलब एक वीक आप सबसे आगे रहोगे। तो इसका मतलब यह है कि आप एक वीक का मिशन जो है पहले आप कंप्लीट करके एंड रैंक इंक्रीज कर सकते हो। बट ये मेथड आई थिंक सबको पता है, तो इस चीज को यहाँ पे स्किप करते हैं, यहाँ पे आते हैं सेकंड स्टेप पे। एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लाइसेंस का एक और बेनिफिट है क्या होना, हर एक वीक में आपको मिशंस का 2 मिशंस का फ्री में दे देंगे, ठीक है। और एक और चीज यहीं पे मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी वीक, जैसे वीक वन में अगर आप 10 मिशन कंप्लीट करते हो तो ये जो क्रेट है ना ये ओपन हो जाता है, क्रेट ओपन होता है तो ये WP100 दिखाना है, ऐसा एक पॉइंट कार्ड मिलता है आपको। तो ये पॉइंट कार्ड आपको क्या होता है मिल जाता है, सिर्फ क्लिक करके कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मिल जाता है ना तो ये यहाँ पे इन्वेंट्री पे रहता है, सेम वैसे कार्ड यहाँ पे आप फाइंड करना, यहाँ पे इन्वेंट्री में रहता है, उसको आप जाके यूज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये जो EXP कार्ड है इसको मैं यूज करता हूँ, ऐसे यूज पे क्लिक करके यूज कर लेना, ठीक है। तो वो भी आप यूज करोगे तो आपका रैंक जो है एक रैंक डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। उसको कुछ लोग यूज नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि इस पॉइंट को भी यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, अब सेकंड स्टेप जो है उसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही मेन है आई थिंक। सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको मिशंस में आना, मिशंस में आने के बाद वीक वन में आना, किसी भी वीक में आ जाना। यहाँ पे आपको एक मिशंस दिखेगा, मिशंस के सामने एक हैंड का सिंबल होगा, व्हाइट कलर का हैंड का सिंबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे एक मिशंस है फिनिश इन द टॉप 3 twice विथ फ्रेंड इन द बैटल रॉयल मोड, मतलब आपको टॉप 3 में आना है अपने फ्रेंड के साथ खेल के 2 बार, मतलब 2 बार आपको टॉप 3 में आना है अपने फ्रेंड के साथ खेल के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मिशंस आपको फाइंड करने हैं जिस मिशंस के सामने जस्ट यहाँ पे हैंड का सिंबल हो। तो वीक वन में ऐसा 2 मिशंस मिल जाएगा आपको, वीक टू में भी आई थिंक 1 ऐसा मिशंस मिल जाएगा, मतलब हर एक वीक में 1 या फिर 2 तो ऐसा मिशंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या है कि जो ये मिशंस है, ठीक है, अगर आप ये मिशन कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे 45 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। मिशन सिंपल आप कंप्लीट करोगे तो 45 पॉइंट दे देंगे, बट इसको अगर आप ट्रिकली यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 60 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो 60 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब वीक वन में ऐसा 2 मिशंस है, मतलब 60 प्लस 60 कितना हुआ 120, और एक रैंक कितने का, कितने पॉइंट का होता है 100 पॉइंट का, मतलब वीक वन में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया। तो यही पॉइंट जो है ना ऐड हो कि आप एकदम नंबर 1 पे आ जाते हो। तो इसको आप कैसे करोगे कि 60 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस मिशन को देखो यहाँ पे कैसे कंप्लीट करना है। एक स्क्वाड होता है, एक स्क्वाड में आप भी रहते हो, आपको छोड़ के बाकी के जो 3 प्लेयर्स हैं, 3 जो आपके टीममेट है, अगर तीनों ने विनर पास लिया है, याद रहे तीनों ने अगर विनर पास लिया है, उनके साथ खेल के अगर ये मिशन कंप्लीट करते हो जिस मिशन के जस्ट सामने हाथ का सिंबल है, तो आपको सीधे 60 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा।
बट याद रहे आपके साथ के जो तीनों बंदे, तीनों ने अगर विनर पास लिया है तब, अगर तीन में से किसी दो ने विनर पास लिया है, किसी एक ने विनर पास नहीं लिया, तो उस केस में आपको सिर्फ 45 पॉइंट दिया जाएगा एक मिशन के लिए। और अगर मान लो एक स्क्वाड है जिसमें से आपको छोड़ के बाकी के, तो बाकी के जो तीन प्लेयर्स हैं, तीन प्लेयर्स में से सिर्फ एक बंदे ने विनर पास लिया, बाकी दो प्लेयर्स ने विनर पास नहीं लिया, अगर उसके साथ ये मिशन कंप्लीट करते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे 30 पॉइंट दिए जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मिशन जो है तीन ऐसे बंदों के साथ खेल के कम्प्लीट किया जिन तीनों ने विनर पास लिया था, तो यहाँ पे देखो 45 पॉइंट तो मेरे को मिल गए, जो कि मिशन का पॉइंट मिलना ही था। प्लस मैं यहाँ पे क्या लिखा, 45 + 60, मतलब 60 पॉइंट मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखो यहाँ पे, तो यही जो पॉइंट पॉइंट का अंतर है ना, वही एंड पे जाके मैटर करता है। जब 30 रैंक सबका हो जाता है तो वहां पे जिसका पॉइंट ज्यादा रहता है उसी बंदे का नाम जो है टॉप पे आता है। यही ट्रिक आप यूज करो, इसके वजह से आपका नाम हमेशा ही टॉप पे रहेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ 99% केस में आपका नाम हमेशा ही टॉप पे रहेगा। और हाँ, अगर आपकी WP रैंक 30 हो जाती है तो आप में से बहुत से लोग WP क्रेट रिडीम नहीं करते होंगे। आपकी WP 30 होने के बाद आप रिडीम सेक्शन में जाए और आप वहाँ पर 50 WP पॉइंट में एक क्रेट रिडीम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट दिल दानी मादा।